वंस अगेन हेलो एवरीवन, मैं हूं वकार, आप सभी का यार। दोस्तों, COVID-19 में लॉकडाउन करना जान बचाने के लिए कितना सफल रहा ये तो हम नहीं जानते, मगर इसने भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है और ये हर घर बैठे लोगों की समस्या है। आइए देखते हैं कि किस तरह COVID-19 से हमारे देश में जॉब प्रोस्पेक्ट्स और जॉब हायरिंग में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जहां COVID-19 का बहुत बुरा नज़ारा है इंडिया के मुकाबले, लेकिन इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27% बढ़ गया है लॉकडाउन के शुरुआत से ही। ऐसा नहीं है कि भारत को इस पैंडेमिक का सामना करना ना पड़ा हो, लेकिन हमारे व्यूवर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए हम बताते चले कि यूनाइटेड स्टेट्स में COVID-19 के कन्फर्म केसेस 1 मिलियन से भी ज़्यादा अधिक है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट का इतना भी बुरा नज़ारा वहाँ देखने को नहीं मिला। रोज़मर्रे की बात करें तो इस बुरे वक्त में कई सारे उभरते इंडस्ट्रीज बिखरते हुए नज़र आए। आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरह इस पैंडेमिक में जॉब हायरिंग और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है और फ्यूचर में क्या अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर न्यूज सोर्सेज की माने तो सिंस अप्रैल सैलरीड लोगों की जॉब लॉस काउंट 1.9 करोड़ है और ओवरऑल तकरीबन 12.2 करोड़ पीपल अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से अफेक्टेड हुए। उन सभी 12 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट में से 75% लोग स्मॉल ट्रेडर्स और डेली वेज लेबरर्स हैं। ये एक लिस्ट है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। चाहे फूड सर्विस हो या ट्रैवल, फिटनेस, वेलनेस, डोर टू डोर सेल्स, रियल इस्टेट्स, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों पर बात करें तो मानो लगभग हर 60 करोड़ एम्प्लॉयज़ में से लगभग 6 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होकर रह गए। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि लॉकडाउन के दिनों में इन सभी बिजनेस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को हमने अच्छे से स्टडी किया तो मालूम ये हुआ कि जो बिजनेस कंप्यूटर वर्क्स के थ्रू डील हो रहे हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम किया गया, लेकिन इन कामों में फिजिकल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी हो रही थी, जहाँ एम्प्लॉयर्स को पे कट और अनकंडीशनल रेजिग्नेशंस का सामना करना पड़ा। खैर, ये तो थी उन सेक्टर की बातें जहाँ लेबर रिक्वायरमेंट होती है और वो अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। पर आइए बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिधर एम्प्लॉयमेंट और हायरिंग की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज होते हुए दिख सकती है। दोस्तों, कॉरपोरेट सर्विस, लीगल सर्विस, पब्लिक सेफ्टी और IT प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ नीट जॉब स्किल्स और स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ मोस्टली ओपनिंग्स जो है वो एंट्री लेवल पे ही होती है और वहाँ फ्रेश ग्रेजुएट्स की काफ़ी डिमांड है। खैर, ये तो थी बात उन प्लेटफॉर्म्स की जहाँ हायरिंग पॉसिबल है, पर आइए एक नज़र उन फील्ड्स पे भी डालिए जिन्हें अब पोस्ट कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट होना ही होगा। ये अब नेसेसरी हो चुका है कि उन बिजनेस फील्ड्स के लिए कि अपने न्यू बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करना होगा, जिससे न्यू अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मीडियम में अवेल हो सकता है। दोस्तों, डिजिटल मीडियम के इन्हेंसमेंट से वेब डेवलपर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड इंक्रीज हो सकती है, जिससे काफ़ी डेटा प्रोडक्शन हो सकता है, जिसके साथ साथ डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग्स और AI स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ सकती है। दोस्तों, साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटर्स, कंटेंट मैनेजर्स और एड्स स्पेशलिस्ट की भी डिमांड बढ़ती हुई दिख सकती है। दोस्तों, यूँ समझे तो ये एक रिपल इफेक्ट से कम नहीं है, जहाँ एक चेंज होते ही उसके कंसेक्यूटिव इंडस्ट्रीज में चेंजेस दिखने को मिल सकती है। दोस्तों, वैसे तो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, मगर पैंडेमिक लॉकडाउन के इफेक्ट्स आज के अनएम्प्लॉयमेंट और पोस्ट कोविड हायरिंग में कुछ इस तरह के दृश्य देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे एक न्यू ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपडेटेड रहें और जय हिंद।